मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। एक तरफ वर्ल्ड कप के मैच बारिश में धुलते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट प्रेमियों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि अब वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी के ऊपर छाता लगाकर तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। बारिश के भेंट चढ़े मैचों का गुस्सा लोगों में इस कदर है कि अब वो आईसीसी पर निकल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर आईसीसी को कोस रहे हैं, बुरा भरा बोल रहे हैं, और लोगों की इसी नाराजगी को देखते हुए बॉलीवुड के शहंशाह बिग बी भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी आईसीसी पर चुटकी लेते हुए अपने दिल की बात कह डाली। असल में भारत न्यूजीलैंड के मैच को बारिश में धुलता देख राजेश केजरीवाल नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, आईसीसी को शर्म आनी चाहिए कि उसने वर्ल्ड कप जैसे अहम टूर्नामेंट का ऐसे समय में आयोजन किया जब आधे मैच बारिश की भेंट चढ़ जाएं। बस फिर क्या था, इस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए अमिताभ बच्चन ने भी आईसीसी पर चुटकी ली और ट्वीट कर कहा, वर्ल्ड कप 2019 को भारत में शिफ्ट करो, हमें बारिश की ज्यादा जरूरत है। वैसे आईसीसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा यही खत्म होने वाला नहीं है। ट्विटर पर हैशटैग #ShameOnICC टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। क्रिकेट फैंस आईसीसी को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बारिश के वक्त कवर किए गए ग्राउंड को लेकर भी आईसीसी पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि भारतीय ग्राउंड पर बारिश के वक्त पूरे मैदान को कवर अप किया जाता है, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं हो रहा है, वहां केवल पिच को कवर किया जा रहा है। ऐसे में बारिश के रुकने पर भी मैदान में गीलापन रहता है, जिससे बॉल के खराब होने से लेकर फील्डिंग में परेशानी जैसी दिक्कतें आती हैं। तो अब तक वर्ल्ड कप के 4 मैच बारिश में बह गए हैं, जिसके चलते हर कोई आईसीसी की खिल्ली उड़ा रहा है और तो कोई अपनी भड़ास निकाल रहा है। फिलहाल क्रिकेट प्रेमियों को 16 जून का इंतजार है, जब दो धुर विरोधी टीमें यानी कि टीम इंडिया और पाकिस्तान आपस में भिड़ेंगी और मन ही मन दुआ भी कर रहे हैं कि बस इस मैच में कहीं बारिश विलन ना बन जाए। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता को दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष इंटरव्यू में, जहां पर आज हमारे साथ कुलदीप यादव मौजूद है। और कुलदीप यादव इस वक्त पे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पिछले 2 सालों में भारत के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए और अपने लिए उन्होंने इतने बेहतरीन काम किए हैं कि आज जब मैं उनके साथ बैठा हूं तो मुझे आप लोगों को, हमारे क्रिकेट फैंस को, ये बताने की जरूरत नहीं है कि कुलदीप यादव कौन है। कुलदीप बहुत बहुत शुक्रिया और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है इस वक्त पे बहुत बिजी शेड्यूल है, टीम इंडिया बहुत प्रैक्टिस कर रही है, IPL है, वर्ल्ड कप है, कैसे सब कुछ चल रहा है इस वक्त पे, किस फ्रेम ऑफ माइंड में है टीम इंडिया भी और आप भी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा अभी तक रहा है, जिस तरह से स्टार्टिंग हुई 2019 की टेस्ट सीरीज जीते न्यूजीलैंड में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज जीते, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से अच्छी सीरीज जा रही है, बहुत अच्छा खेले यहाँ पे। और बात करते हैं IPL की, IPL भी बहुत 2 महीने का IPL है, काफ़ी लंबी क्रिकेट है, उसके बाद वर्ल्ड कप है। तो अभी तक का जो सफ़र है काफ़ी अच्छा रहा है और ये IPL 2 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि फिटनेस पे बहुत जोर रहेगा, क्योंकि उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अपने आप को फिट रखना, क्योंकि ये लंबा सीरीज़ है और उसके बाद वर्ल्ड कप मेन है। अच्छा, फिटनेस की जहाँ तक बात होती है, आपने इतना कमाल का एवोल्यूशन किया है पिछले 3-4 सालों से, मैं लगातार आपको देखता हुआ आ रहा हूँ, मतलब कुछ अगर आप स्पेसिफिक्स बताना चाहें जो युवा क्रिकेटर्स हैं खास तौर पे, क्योंकि हमारी ऑडियंस में कई खिलाड़ी, कई लोग ऐसे हैं, कई दर्शक ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि यार फिटनेस की बड़ी हाय तौबा मची रहती है टीम इंडिया में, मतलब फिटनेस ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, मतलब होता क्या है, कुलदीप यादव क्या करते हैं खुद को फिट रखने के लिए? हम नहीं जानना चाह रहे कि विराट कोहली क्या करते हैं, लेकिन कुलदीप यादव क्या करते हैं? फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप फिट रहेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि आप जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपके निकल आएगा, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, प्लस आपका माइंड बहुत तेज़ चलेगा कि हाँ आप किस कभी के डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती हैं तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, ना कि आप थोड़ा फिटनेस नहीं रहेगी तो आप लूज़ कर जाएंगे या फिर लेज़ी हो जाएंगे। तो मैं ज़्यादातर फिटनेस के लिए, बाबू सर हमारे ट्रेनर हैं तो मैं उनका प्रोग्राम फॉलो करता हूँ, एवरी सेकेंड डे मैं ट्रेनिंग करता हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए मैं ट्रेनिंग करता हूँ, और ग्राउंड पे काफ़ी मेहनत होती है,
रनिंग वगैरह जितने भी शॉर्ट ड्रिल्स वगैरह होती हैं, काफ़ी सारी ड्रिल्स हैं वो हम लोग फॉलो करते हैं। और जब भी टाइम मिलता है या फिर जिस दिन हमारी ट्रैवलिंग होती है उसके शाम को रिकवरी के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं, शाम को 5 से 6 बजे, तो पूरा स्केड्यूल कंप्लीट हो जाता है ट्रेनिंग करने का। कुलदीप, जिस तरह से अब एक हवा बन चुका है आपके नाम का, हर कोई कहता है जी पीटर हैंडसकॉम शतक मारने के बाद कहते हैं डर लगता है कुलदीप यादव से, उस्मान ख्वाजा उससे पहले शतक मारते कहते हैं डर लगता है आपसे, ये जो हवा आपने बना रखा है, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस जिस तरह का आपका चल रहा है, आप खुश हैं कि विरोधी डर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, उस लेवल पर आप पहुंच रहे हैं जहां आपने सोचा होगा कि मुझे जाना है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से, उस तरह से आप, मैं धीरे धीरे उस पर प्रोग्रेस पे हूँ। और बैट्समैन डर रहे हैं ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उनको हर इनिंग में आउट करने की कोशिश करता हूँ, और जितने भी वनडे होते हैं उसमें मोस्टली 50-60% में उनको आउट करता हूँ, तो ये अचीवमेंट है मेरे लिए। और ये खुशी की बात है क्योंकि आप एज ए स्पिनर अगर आप अपने बेसिक्स फॉलो कर रहे हैं किसी भी यंगस्टर के लिए, तो आप किसी बैट्समैन को आउट कर सकते हैं, उसको डिसीव कर सकते हैं टर्न में या फिर जो भी आपके वेरिएशन है। प्लस बात रही अगर टेस्ट क्रिकेट की जो आपने पूछा, और वो हमेशा मेरा पहला प्यार है, और मैं उस पर, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी कभी सेटल हुआ हूँ अभी, क्योंकि मुझे और भी मेहनत करनी है रेड बॉल से। और जितना 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 क्रिकेट खेलूँगा रेड बॉल से उतना ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उतना ही मैं अचीव करूँगा और उतना एक्सपीरियंस मैं गेन करूँगा, क्योंकि आने वाले टाइम में टेस्ट क्रिकेट बहुत होने वाली है, इसके बाद वर्ल्ड कप के बाद सीधा वेस्टइंडीज़ टूर है, तो क्रिकेट बहुत है और मेरा एम हमेशा रहेगा कि रेड बॉल से मैं हमेशा अच्छा करूँ। कपिल पांडे सर से बात करी थी मैंने, कह रहे थे कि इंग्लैंड से आया और उसके बाद यहाँ पर पहुंचा और कहा कम से कम 20 ओवर इससे डाले, 20 ओवर राउंड द स्टंप डाले, 20 ओवर ओवर द स्टंप डाले, इस तरह से गेंदबाजी कर रहा था और कुकुबुरा की गेंद पकड़ी। यानी एक प्रोएक्टिव प्लानिंग है कि मुझे जो भी अगली सीरीज खेलनी है, ये मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जा रहा हूँ आपको कि जब आप ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे शायद वो जो लॉर्ड्स में हुआ उसके बाद आपको लगा होगा कि वो जो थोड़ी सी ग्रिप नहीं लगती है या जिस तरह से चीज़ें गेंद का टप्पा भी शायद आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि गेंद को जब पकड़ते हैं तो कुछ अलग लगता होगा एसजी कुकुबुरा और ड्यूक में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादा मैंने ड्यूक से बॉलिंग की नहीं है, तो एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मुझे नहीं लगता कि बॉल इतना फ़र्क डालता, क्योंकि मैं उतना तैयार नहीं था अपने आप को लेके। मैं सोचता था कि बहुत इजी थिंग्स हैं, क्योंकि मैं वनडे में अच्छा करके आ रहा था, तो मैं बहुत नॉर्मल था और उतना अच्छा मैं फोकस नहीं था मेरा, और मैं हमेशा अपने आप को ब्लेम करता हूँ इस चीज़ को कि मैंने अपनी तैयारी सही से नहीं की थी टेस्ट मैच के लिए। अगर मैं फुली जैसे प्रिपेयर्ड होकर मैं ऑस्ट्रेलिया टूर में गया था, अगर मैं वैसे ही जाता तो मैं शायद वहाँ भी 5 विकेट लेता। मैं वैसा था कि मेरा माइंडसेट अगर मैं उस प्रिपरेशन के साथ जाता तो मेरे लिए बहुत ईजी था। जब ऑस्ट्रेलिया, जब इंग्लैंड टूर से वापस आया, तो आपने बिल्कुल बोला, सही बोला, मैं सर के साथ, मैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट मैच खत्म हुआ, मुझे नींद नहीं आई 3 दिन मेरे साथ, मैंने सोचा मेरे साथ क्या हो रहा है, फिर मैंने सर से बात की, तो उन्होंने नॉर्मली बात की मेरे से, उन्होंने बोला कि वापस आएंगे तो हम काम करेंगे अपनी बॉलिंग पे। फिर मैं थर्ड टेस्ट मैच के बाद रिलीज़ हुआ, फिर यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही आई थी खेलने के लिए, तो वापस आया घर, तो एक हफ्ते तक मैंने सिर्फ बॉलिंग की है राउंड द विकेट। जो भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, लेफ्ट हैंडर को ज़्यादा लेग स्टंप पे जा रहा था, जो भी मेरे से हुआ था वो मैंने 7 दिन में वो मेहनत करके मैंने निकाले। मैंने उस टाइम बहुत प्रैक्टिस की थी, ज़्यादा मैं सोच रहा था बॉलिंग को, रेड बॉल को लेके। और फिर दूसरे गेम में 5 विकेट लिया आपने। फिर उसके बाद जब फर्स्ट टेस्ट मैच खेला ऑस्ट्रेलिया ए से, तो पहली इनिंग में मैंने ज़्यादा ऊपर ऊपर बॉलिंग की, क्योंकि मुझे आइडिया होना बहुत ज़रूरी था कि मैं कैसा बॉलिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट इनिंग मैंने ज़्यादा ऊपर बॉल खींचा, ड्राइव ज़्यादा पड़े मुझे। फिर उसके बाद जब सेकेंड इनिंग में थोड़ा सेटल होने लगा, फिर मुझे आइडिया आने लगा, 7-8 ओवर के बाद मुझे रिदम मेरा पकड़ा। मैंने फिर सेकेंड इनिंग में मुझे 2 विकेट निकाले थे, 4-5 विकेट लिए थे फर्स्ट टेस्ट मैच में। उसके बाद सेकेंड टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ, फिर परफेक्ट हो रहा था सब कुछ, मैं जैसा चाह रहा था मुझे वैसा हो रहा था। 5 विकेट निकाले सेकेंड इनिंग में, 3 विकेट निकाले, फिर मैं तैयार था वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के लिए। फिर मैं अपने आप को पूरे फुली प्रिपेयर्ड था कि वेस्ट इंडीज़ आ रही है, और उसी बीच मैंने कुकाबुरा से भी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि मुझे था ऑस्ट्रेलिया कि मेरे दिमाग में हमेशा था कि मैं अगर अच्छा करूँगा, मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, बहुत से टाइम मैं अंडर एस्टिमेट करता हूँ अपने आप को, बट एट द सेम टाइम कभी कभी मोटिवेट करता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ आ रही है, शायद मैं अच्छा करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे मौका मिले। अच्छा, इंग्लैंड की आपने बात की, वो 2 शैंपेन की बॉटल मिली थी आपको, क्या किया आपने, उनका संभाल के रखी है या पूरी नहीं टीम नहीं में नहीं बढ़ गई? वो मुझे पता ही नहीं चली मेरे पास आई थी कि नहीं, वो मैं मुझे मिली किसी फोटो तो ने, आप ही ने मैंने खिंचाई खिंचाई थी, पर फिर मीडिया मैनेजर ने यानी ले लिया, शायद आनंद ने, थी आनंद आनंद जी ने, आनंद उनको मैंने दे दिया था, फिर उसके बाद मुझे मिली नहीं वो। जी ने। अरे ये तो दिक्कत हो गई। अच्छा, आखिरी के 2 सवाल। आईपीएल आ रहा है, मीडिया में इस बात की बहुत चर्चा है, MSK प्रसाद अभी आ रखे थे तो उनसे भी बातचीत हुई, और उससे पहले कप्तान विराट कोहली से भी बार बार ये पूछा जा रहा है कि
किस तरह से आईपीएल को मैनेज करेंगे खिलाड़ी, कहीं वर्ल्ड कप से पहले कोई इंजरी हो गई या थोड़ा सा फटीग इशू हुआ कि यार थक गए हैं खिलाड़ी, आपका क्या विचार है आईपीएल को लेके, कि आईपीएल आप पूरा खेलेंगे, आधा खेलेंगे, कुछ मैच में आराम लेंगे जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो? टीम इंडिया क्या सोच रही है आईपीएल के बारे में? यहाँ से अभी तक कोई रिजल्ट इसका अभी आया नहीं है, क्या मीडिया क्या मैनेजमेंट सोच रही है, पर ऑब्वियसली काफ़ी हैक्टिक रहता है आईपीएल। जितने साल भी मैंने क्रिकेट खेली है आईपीएल की, वो बहुत हैक्टिक होता है। उसमें रिकवरी में कम से कम 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि जब भी लास्ट ईयर मुझे याद है आईपीएल ख़त्म होते ही मेरा फिटनेस टेस्ट था एक हफ्ते के बाद, तो फिटनेस टेस्ट में मुझे वो फील हो रहा था कि हाँ मैं उतना एफर्ट नहीं कर पाता जितना मैं अगर फिट यूयो टेस्ट की बात कर रहा हूँ, यूयो टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये आईपीएल, क्योंकि अपने आप को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब रात के मैच होते हैं 8 बजे के और लेट नाइट हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी स्लीप, अच्छा खाना और अच्छी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगले दिन ट्रैवल और ज़्यादा हैक्टिक होता है, बहुत हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि कोलकाता से सभी फ्लाइट कनेक्टिंग ज़्यादातर मिलती है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे मैनेज करते हैं, और मेरा तो एम रहेगा कि सारे मैच खेलूँ, 14 मैच है, और अपनी टीम के लिए खेलूँ और परफॉर्मेंस करूँ। अगर परफॉर्म करता रहूँगा तो अच्छा लगेगा, अगर मोमेंटम के साथ जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है स्पिनर मैनेज कर सकता है एज ए कम्पेयर टू फास्ट बॉलर या फिर बैट्समैन, बैट्समैन जो भी हो, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। तो अगर ऐसा नहीं है कि स्पिनर को लोड नहीं पड़ता, बहुत लोड पड़ेगा, पर एट द सेम टाइम कोशिश करेंगे कि फिट रहें। ठीक, एक जो थोड़ी सी बहस चल निकली है इस बात को लेकर कि भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, आपका क्या विचार है? सीमा पे जो हो रहा है, सैनिक जो कह रहे हैं और पाकिस्तान जो कह रहा है, पाकिस्तान ने तो ये जो आप लोग टोपी पहनकर निकले थे भारत इंडियन आर्मी की, उस इंडियन आर्मी की कैप को लेकर भी उन्होंने कह दिया कि आईसीसी को शिकायत करनी चाहिए, पीसीबी को आईसीसी पे शिकायत करनी चाहिए कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर। इस पर मैं तो बहुत छोटा हूँ ये सब कमेंट करने के लिए, पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसी एट द सेम टाइम बीसीसीआई क्या डिसाइड करती है। एक खिलाड़ी को लेकर आपको खेल कर हराने का मन करता है पाकिस्तान को कि मैदान पर उतरे और हराए? हमेशा से रहता है कि यार कोई भी टीम, और पाकिस्तान से खेलने में हमेशा एक चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि अच्छी टीम है और अच्छी टीम को हराने में हमेशा मज़ा रहेगा, और जिस तरह से हम कंट्री के लिए खेल रहे हैं और पाकिस्तान को हराने में बहुत मज़ा आता है। वर्ल्ड कप के लिए एक अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहें कि वर्ल्ड कप के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग टीम इंडिया से, कुलदीप यादव से आखिरी सवाल? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, जिस तरह मैं परफॉर्मेंस करता चला आ रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि मैं उसी तरह से कंटिन्यू रखूँ वर्ल्ड कप में और अपनी टीम को जिताऊँ। तो आप थे कुलदीप यादव, जिन्होंने निश्चित तौर पर विश्वास इस बात का दिया है कि वो अपना बेस्ट देंगे, टीम इंडिया अपना बेस्ट देगी, और उम्मीद कर सकते हैं कि 1983 में जिस लॉर्ड्स की बालकनी में मिस्टर कपिल देव ने प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप उठाया था 1983 में, वहां विराट कोहली 2019 का विश्व कप उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।